हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गियर हट। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके गियर हट चैनल में। और रोड देख सकते हैं पूरा खाली है। ये है मेरी साइकिल और इधर भी देख सकते हैं पूरा रोड अपना ही है। तो मैं आया हूँ साइकिलिंग करते हुए अभी सुबह सुबह, और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:07। वैसे तो मैं मॉर्निंग में उठता नहीं हूँ, बहुत कम उठता हूँ, लेकिन जब भी उठता हूँ तो ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर लूँ। चाहे रनिंग के लिए चल दूँ, या फुटबॉल खेलने चल दूँ, या तो फिर साइकिलिंग के लिए चल दूँ, या तो फिर शाम को बैडमिंटन खेल लूँ। और देख सकते हैं रस्सी जो कूद बोलते हैं जिसको स्कीपिंग, वो भी लाया हूँ। पानी बॉटल है। और लगभग मैं सोच रहा हूँ कि 6 x 12 किलोमीटर का जो राइड है वो कंप्लीट करूँ अपनी साइकिल में। 12 किलोमीटर जो है चलाना है, और लगभग आधा जो है सफ़र हो गया है अपना, आधा और बचा है। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। वैसे तो बहुत टाइम से चला रहा हूँ, लेकिन और भी कुछ कुछ है साइकिल से रिलेटेड जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैं जर्नी कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊँगा। और देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, पूरा ग्रीनरी है दोनों साइड, हरे भरे पेड़ है, पूरा रोड खाली है। ये साइकिल इस रोड में जो है बहुत कम गाड़ी आते हैं, और ख़ासकर सुबह के टाइम तो आते ही नहीं। दिन के टाइम अगर आ गए तो आ गए, मॉर्निंग में, रात के टाइम पूरा रोड ये जो है खाली रहता है। तो चलिए राइड कंप्लीट करते हैं। और कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस साइकिल से रिलेटेड। उसमें से जैसे कि पहला पॉइंट है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रहा होगा, तो ये जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं ये पैडल का है। तो इसका पैडल पता नहीं किस तरीके से आवाज़ आ रहा है, और वो नॉइज़ जो है मैं ऑयल डाल दिया फिर भी जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अब पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है। और तो ब्रेक लगा रहा हूँ तो भी जो है आवाज़ बहुत आ रहा है। और बाकी जो साइकिल है वो बहुत सही है, लाइट वेट है, चलाने में बहुत आसान है। देख सकते हैं किस तरीके से हो जाता है। और ये जो मैं मोबाइल होल्डर लगाया हूँ, मोबाइल होल्डर भी बहुत सही है। और गाना सुनते हुए, म्यूज़िक का आनंद लेते हुए इस नेचर भरे सफ़र में चल पड़े हैं हम। चलिए जर्नी ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अभी जो है आपको विंड नॉइज़ भी अच्छा से नहीं आ रहा होगा, विंड नॉइज़ के कारण आवाज़ अच्छा से नहीं आ रहा होगा। और ये सूरज जो है निकल चुका है, इसके कारण जो है क्लियर भी आ रहा है मोबाइल में। तो जो है मैं आपसे जाके घर में मिलता हूँ। तो देख सकते हैं गाड़ी को जो है मैं धो दिया हूँ घर में, किस तरीके से पूरा चकाचक हो गई ये गाड़ी। इस एंगल से देख सकते हैं पूरी गाड़ी क्लीन हो गई। और पीछे का जो टायर अगर था वो मैं खोल दिया था, उसको भी लगा दिया हूँ मैं, और बराबर फिट हो गया और पूरा अच्छे से धो दिया। नीचे बहुत सारा मड था, यहाँ भी ध्यान दिया हो गया आप, पहले इसके नीचे पूरा कीचड़ लगा हुआ था, और उसके वजह से क्या हो रहा था, ये टेल लाइट में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी आ रहा था। तो उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया हूँ मैं, और घर में ही धो दिया। संडे था, खाली था, खुद की गाड़ी खुद धोने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। और चेन भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत क्लीन है, और थोड़ा और अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा उसको। और बाकी जो है गाड़ी पूरी चकाचक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं अपन, बहुत दिन हो गया, थोड़ा अच्छा से चलाते हैं आज। और आप बस आज गाड़ी का आवाज़ सुनना, मैं शांत रहूँगा, और किस तरीके से इसका नॉइज़ आता है वो आता है वो सब आप ध्यान देना।
बहुत ज़्यादा विंड आ रहा था आगे से, आज 90-100 का स्पीड में ऐसा फील आ रहा था कि गाड़ी जो है 130-140 में चल रही है, इस तरीके से पूरा फील आ रहा था। और इस साइड जो है बहुत पानी गिरा है, रोड रोड सब गीला है, सिटी के साइड उतना ज़्यादा गीला नहीं था रोड वगैरह, और इधर जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे हैं बाइक स्कूटी में आके, कैमरा वाले के। अपन भी आते थे कभी ऐसा, लेकिन आजकल किसी को टाइम नहीं मिलता है, सब अपने अपने में बिज़ी हो गए हैं। और जब भी आप गाड़ी को जैसे ज़्यादा हाई रेव करके आते हैं ना, बहुत ज़्यादा भगाते हुए, तब आप गाड़ी खड़े करते हैं तो थोड़ा देर रुकें, उसके बाद गाड़ी को बंद करें। तुरंत एकदम हाई रेव होकर, बहुत ज़्यादा इंजन गर्म होकर तुरंत स्विच जो है बंद ना करें, थोड़ा देर चालू रहने दें, उसके बाद फिर आप बंद करें। देख सकते हैं अभी इतना मैं भगाया, जो कीचड़ है पूरा इसमें आया होगा, अगर ये नहीं रहता तो ये पूरा हिस्सा मेरा गंदा हो जाता गाड़ी का। फिर भी लेकिन ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा जो है गंदा हो ही गया, अभी भगाया तो मैं, गंदा तो होता ही है और ख़ास कर रेनी सीज़न में। गाड़ी अभी चकाचक है, तो यहाँ अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, पेमेंट करना है। वो रही हमारी बाइक, DSLR तो है नहीं, वैसे ही दिखा सकते हैं। ये हो रहा है ऊपर सेंटरिंग का काम चालू है, अब इसके बाद जो है छड़ बांधने का काम होगा, उसके बाद जो है ढलाई होगा और ये फ्लोर जो है कंप्लीट हो जाएगा। वो देख सकते हैं पूरा पीछे खेत है, कुछ घरें हैं और उसके पीछे जो है हाईवे है। यहाँ भी कुछ कुछ घरें हैं और यहाँ आगे में एक कॉलेज है जहाँ पे मैं पढ़ता था। एक्चुअली ये कॉलेज पहले जगदलपुर में था, तब वहाँ पढ़ता था, अब यहाँ अपने ही शहर में जो है शिफ्ट हो गया है। और ये रोड बहुत जो है खाली रहती है मैक्सिमम। सो अभी अभी जो है मैं एक गाड़ी का रिव्यू करके आया हूँ, अगर आपको वीडियो देखना है कौन सी गाड़ी का रिव्यू किया हूँ तो आपको आई लिंक में बटन में मिल जाएगा। और पानी जो है बहुत अचानक से चालू हो गया, और अभी इससे पहले कि तेज़ हो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। और इधर पानी नहीं गिर रहा है, 1 किलोमीटर पहले पानी गिर रहा था, अब समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और इस गाड़ी को जो है मैं जैसा कि आपको बता रहा था बहुत समय से बेचने का प्लान था, तो आज जो है कोई देखने आने वाला है इस गाड़ी को, तो अगर जम गया दोनों को गाड़ी और प्राइस वगैरह सब फिक्स हो गया तो हो सकता है बहुत जल्दी इस गाड़ी को बेचना पड़ जाए मेरे को। और जो होता है एक अपडेट के लिए होता है, एक अपग्रेड के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है, तो ये जाएगी तो कोई दूसरी आएगी। गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत अच्छी गाड़ी है, 1.5 साल चलाया हूँ मैं इस गाड़ी को और फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक है मेरी।